छड जान वालिया, रोंद छड जान वालिया, कदों संगतानू दरस दिखाउणा, रोंद छड जान वालिया, कदों संगतानू दरस दिखाउणा। चेर दिल पर चौना, रोंद छड जान वालिया, कदों संगतानू दरस दिखाउणा, रोंद छड जान वालिया, कदों संगतानू दरस दिखाउणा। ਸਾਨੂੰ ਵਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
करदा नहीं क्यों चित पौन नू हौल जिहा पावे दिल नू हौल जिहा पावे दिल नू थोड़ा नित सुपने दे विच आउण रोंदे छड जान वालिया कदों संगता नू दरस दिखाउणा रोंदे छड जान वालिया कदों संगता नू दरस दिखाउणा छड़ जान वालिया कदों संगता नू दर्श दिखाउणा सत्कार योग नाम दे रशियो गुरबाणी नाल प्यार करन वालियो तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज उन्हां दे चरणा नाल अथाह प्यार करन वालियो सतसंगियो जेड़ी बाबा जी दे जीवन विच अनेक कौतक कीतियां नू पढ़ सुन के पुरश नाम नाल जुड़ जांदा है पूर्व कर्म जाग पैंदा है। प्यारियो तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज अपने जीवन दे अखीरले समय विच पौंदे नगर अस्थान ते संगतां नू नाम बाणी दा उपदेश करके तार रहे सन जिथे बाबा जी ने अनेक कौतक कीते। एक दिन संगतां विच बैठे बैठे तन बाबा नंद सिंह जी महाराज अपने प्यारियां नू पुछन लगे के प्यारियो मस्या विच अजे किन्ने दिन बाकी हन। सेवादारा ने दस्या बाबा जी अजे मस्या विच 8 दिन बाकी हन। ता बाबा जी कह लगे प्यारियो आ जड़ी मस्या आवेगी सोमावती मस्या नू चज दे चंद्र माने जाना सोमावती मस्यानू शुभ सच दे चंद्र माने जाना सोमावती मस्यानू संगत नू कहन लगे कदों मस्या दा दिन आऊ प्यारे किन्ने दिन रहिंदे किन्ना समा रहिंदा फुल खिड़िया जो मुरझाऊ प्यारे दिन टलदियां टलदियां रात पैजू चारे पासे हनेरा हो जाऊ प्यारे गुजा भेद ना दसिया संगता नू कहिंदे मस्या नू चंद छुप जाऊ प्यारे सोमा बत्ती मस्या नू छुप सच दे चंद्र माने जाना सोमावती मस्या नू शुभ सच दे चंद्र माने जाना सोमावती मस्या नू तन तन
बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने संगत नू पुछया कि प्यारियो मस्या कदों है। अगो संगत ने कहा जी मस्या अजे 8 दिन बाकी हन, सोमवारी मस्या है। अगों बाबा जी ने कहा प्यारियो मस्या वाले दिन चंद अलोप हो जाता है, सारे पासे हनेरा हो जाता है। प्यारियो ये बाबा जी ने गुजी रमज दस भी दिती कि मस्या वाले दिन असी चले जाना है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कह लगे कि प्यारियो जड़ी बाहरों दूरों संगत आई है अज उन्हां नू अंदर बुला लो। संगतां नू आवाज मारी, सब संगतां बाबा जी दे चरणां विच नमस्कार करके बैठ गईं। बाबा जी बचन करदे करदे कहन लगे जिन्हां ने घरां नू जाना है वह प्रसाद लेके जा सकते हैं। संगतां ने बेनती की थी, बाबा जी इत्थे आया नू बहुत देर हो गई, असी आप नू नाल लेके जाना है। बाबा जी दे चरणा दे सेवादार चंग मंगियाने तो चूनिया तो पटियाले तो मोगे तो कलेरां तो सारे सेवक आपो अपने नाल ले जान लई बाबा जी नू बेनती करन लगे। कोई कहिंदा साडे नाल चलो, कोई कहिंदा साडे नाल चलो। तन तन बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने दो पल नेत्र बंद करके फिर बचन करिया, प्यारियो जेकर पटियाले जाइए तां संगत दे दर्शन नहीं होने, कल्ले पटियाले दे राजे कोले ही जाना पवेगा। जे दिल्ली गए तां अमीर लोक मूहरे हो जाणगे, गरीबां नूं दर्शन नहीं करन देने। जे झंग बागे जाइए सारे दूर हो जाणगे, जे चूनिया जाइए तां माझे दी संगत ही आवेगी, मालवे दी संगत दे दर्शन नहीं होने। बाबा जी अंतम समा अजे विचार ही रहे सी, रमज कोई नहीं सी जानदा। हजूर ने सब दी बेनती सुन के कहा कि प्यारियो गुरु साहब दे अगे सारी संगत इकट्ठे होके अरदास करके आपो अपने नगरां दियां पर्चियां पावो। बाबा आनंद सिंह जी कहन लगे बाबा आनंद सिंह संगत नू कहन लगे ना कोई चित नू चितवनी लाओ पाई, तुसी सोचदे हो साडे नाल चलो ना एक दूजे ते रोस दिखाओ पाई। करो बेनती श्री गुरु ग्रंथ अगे आपो अपनी शरदा दिखाओ पाई, किथे चलिए गुरा नू पामदा है सारे थामां ते पर्चियां पाओ पाई। इस तरह बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने सब दी बेनती सुन के कहन लगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे सारे थावां दियां पर्चियां पाओ ते एक कलेरां दी पर्ची रहन देवो। सुन दे सार ही भाई रतन सिंह सेवादार कहन लगा बाबा जी असीं गरीब करके
साड़ी परची दी इनकारी कर दिती। बाबा जी अमीरां नू माया दा जोर है, किसे नू तकड़े बंदियां दा माण है, किसे नू अफसर होण दा गुमान है, पर साड़ी गरीब संगत नू तां एक तुहाड़ा ही आसरा है। जे तुसी ही सानू गिणती विच्चों बाहर कढ देवोंगे तां असी तुहाड़े चरणां विच अर्ज करन जोगे भी नहीं रहांगे। तां भाई रतन सिंह ने बाबा जी दे चरणां विच बेनती करके कहा, परची कलेरां दी पा दिओ किरपा कर दिओ, परची कलेरां दी पा दिओ किरपा कर दिओ। बन कहन लगा, कृपा साडे गरीबां ते करो दाता, ना मान पल्ले ना कोई शान पल्ले, नदर मेहर दी साडे ते करो दाता, असी आप दे चरना दे दास हां जी, सानू दिलो ना दाता भुला दिओ जी। अगों होना जो होया मंजूरी ओनू, परची एक कलेरां दी पा दिओ जी, परची कलेरां दी पा दिओ किरपा कर दिओ, परची कलेरां दी कर दियो। ता प्यारे भाई रतन सिंह जी दी बेनती नू सुन के तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहन लगे, प्यारे असी ता चाहुंदे सी के कुछ चिर होर संगत विच बिता लईए, ये रमज नू कोई नहीं सी जानदा, कलेरी पहुंचण दी देर है, सानू दरगाही सदा आ जाना है। ये रमज दुनिया वाले की जानन, बाबा जी सतगुरु दे कमरे विच गए, अरदास बेनती कीती, परचियां पा दित्तियां, जदों हुक्मनामा लिया 777 अंग तो सूही महला पंजवा, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुस कै बलराम जियो, हर अमृत भरे भंडार, सब किछ है घर तिस कै बलराम जी। जदों हुक्मनामा चार छंदां दा आया, नमस्कार करके परची कढ़ी, परची खोली तां की देखिया, धन गुरु नानक ने कढ़ी परची कलेरां वाली, परची कलेरां वाली, धन गुरु
ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਈ ਬਨ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤਿਆਰ ਛੇਤੀ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਪਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਪਰਚੀ ਉਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੌਂਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਜਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਜਾ ਖੰਡ ਦੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਜਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਗਏ ਤੇ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਚੱਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਪਿਆਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਖੂਹੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਲਿਆ
रात नूं दर्शन दित्ते। दुकानदार ने बाबा जी दी प्रेम नाल सेवा कीती। गुरसिख प्यारे नूं सेवा दा मौका दे के बाबा ईसर सिंह जी ने उस प्यारे नूं खुला प्रसाद दिता। उत्थों चल के अंबाले आए। बाबा जी हजूर ने पुछया, ईसर कित्थे आ गए? अगों बाबा ईसर सिंह जी महाराज कहिंदे, हजूर अंबाले आए हां। हुक्म अनुसार गड्डी रोक दित्ती। बाबा जी कहिंदे, ईसर गर्म कपड़े दे, ठंड लगती है। प्यारियो, गर्म कपड़े पा ले, भादों का महीना, लोहड़िया की गर्मी है, कपड़े भी गर्म पा ले। बाबा जी दे कौतक कौन जानदा सी। इत्थे काले काले बदल नजर आए। बाबा जी कहन लगे, ईश्वर ये संसार दे पापां दे पहाड़ हन, ये भी आपां नूं ही संभालने पैने। ये कह के बाबा जी ने कार दे शीशे बंद करवा दिते। खन्ने दे नेड़े लिबड़े पिंड कोल बाबा जी कहन लगे, असी तां थक गए हां, जरा रुक जाइए। उत्थे गड्डी रोक ली, बाहर दरख्तां हेठ आसन ला दिता। देखदे देखदे आओ काले बदल, तन तन बाबा आनंद सिंह जी महाराज दे शरीर विच समा गए। तन तन बाबा ईसर सिंह जी महाराज बाबा जी दे शरीर नूं कुटन लग पए। बाबा जी ने कहा, ईसर ये भयानक समा दुनिया ते बरतना सी, अज खून दियां नदियां चल जानियां सी, पर हुण बचा हो जू। उत्थों चल के ज्यों ज्यों अगे नूं आए, संगतां वहीरां कत्त के बाबा जी दा राह रोकण लग पईआं। बाबा जी कहिंदे, ये लोक भोले है की जानदे है, पर सानू दरगाह दी खिच पै रही है। हुक्म आउंदा है कि छेती आओ, ये भोलियां नू की पता। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहन लगे, सानू खिच दरगाह दी पैंदी, दुनिया नू सार कोई ना, सानू खिच दरगाह दी पैंदी, दुनिया नू सार।